किसान यात्रा निकाल रहे सपा नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सपा विधायक सहित कई नेता नजरबंद भी किए गए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालने के ऐलान के बाद ही पूरे प्रदेश में सपा नेताओं को नजरबंद करने के साथ साथ सड़क पर किसान यात्रा निकालने का प्रयास करने वाले सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद मुरादाबाद में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था और सुबह से ही सपा विधायक हाजी ग्राम और पूर्व विधायक यूसुफ अंसारी को उनके घर में ही नजरबंद कर वहां पहरा लगा दिया। उधर दिल्ली रोड निवासी सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव के नेतृत्व में उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए किसान यात्रा निकालने की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी को धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। नजरबंद किए गए पूर्व सपा विधायक यूसुफ अंसारी का कहना है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय आह्वान पर किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नजरबंद करके एक तरह से इमरजेंसी जैसा माहौल बना दिया है और हम लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। उधर प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि धारा 144 लगी हुई है और ये लोग बिना अनुमति पदयात्रा निकालने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल धारा 144 के उल्लंघन में इनको गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस भाजपा की जुल्म से डरने वाले नहीं है। चाहे प्रशासन कितना भी अपनी मनमानी करे, डंडा बरसाए, कुछ करे, रिपोर्ट लिखे, कुछ लिखे, हम डरने वाले नहीं। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो निर्देश है उसको मानने का काम करेंगे और किसानों के बीच जाने का काम करेंगे। आज नहीं तो कल हम किसानों के बीच जाएंगे। अगर हमें गिरफ्तार करें, जेल भेजें, कहीं भी भेजें, हम डरने वाले नहीं हैं। हम किसानों की बात करेंगे और अखिलेश यादव जी का जो निर्देश है आज हमको गिरफ्तार कर लिया। आप देख रहे हैं कि गाड़ी में बंद कर रखा है और सुबह क्रिमिनल लोग जाते हैं, सुबह से ऐसे ही हमें लेकर जा रहे हैं। नजरबंद कर रखा है जैसे हम अपराधी हैं। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों की बात कर रहे हैं और हमारा अपराधी तरीके उस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करा जा रहा है। दुर्व्यवहार जिले में लागू है और कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी पद यात्रा या जुलूस की अनुमति देना उचित नहीं था और नहीं दी जा सकती थी। इसी कारणवश क्योंकि ये लोग मंडी समिति तक निकलना चाह रहे थे, उनको बीच में ही अरेस्ट किया गया और धारा 144 के उल्लंघन में धारा 188 की कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी। इनको अभी पुलिस लाइन भेजा गया है और 188 की कार्रवाई इन पर अमल में लाई जाएगी। ये कहाँ जा रहे थे ये सफाई है, ये क्या कहना चाहेंगे इसको? ये समाजवादी पार्टी के समाज पदाधिकारी रिखाजीगढ़ थे और इनको जो कृषक आंदोलन के समर्थन में एक प्रदर्शन करना था। कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी ये उक्त स्थान पर जाने के लिए आमादा थे। शांति भंग का अंदेशा देखते हुए धारा 144 भी लागू थी, इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे कार्यवाही इनकी मांग की। कितने लोग होंगे लगभग? ये लगभग 40 से 45 लोग होंगे। 40 से 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने रोड पे भी जाम करा था, तो इनको ऊपर के जो रोड जाम करा था उसको ऊपर भी कोई FIR नहीं? रोड जाम करने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन रोड से आया इस तरीके का माहौल कहीं ना कहीं यातायात इंटरप्ट तो होता ही है। वो हम अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करके नियमानुसार कार्रवाई करें। तो रोड पर जब आए तो मतलब मुकदमा का चांस ज़्यादा है? ये हम देखेंगे, वीडियो फुटेज देखेंगे कि किस तरीके, क्योंकि हम इसको मैनेज करने में लगे थे। वीडियो फुटेज में हम देखेंगे कि रोड जाम हुआ है नहीं हुआ है। जो भी स्थिति होगी उस प्रकार संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू।